ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म अम्बे सीने को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने लॉन्च किया, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में क्षेत्रीय बोलियों पर आधारित फिल्म, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया जाएगा। ये ऐप पेड सब्सक्रिप्शन पर आधारित होगा। वहीं संस्कृति और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड सरकार इस तरह के मंच का सहयोग करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप में इससे हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा का संवर्धन होगा, हमारे संस्कृति की रक्षा होगी। इसके साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे और एक अच्छी पॉलिसी गठित करके ओटीटी प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करेंगे। जो हमारी रीजनल फिल्में हैं ये बने अच्छी तरीके से, इनको पूरी सहायता मिले और हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को ये उजागर करें। निश्चित रूप में ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और आधुनिक फिल्में जो हैं इसमें बन रही हैं, तो इसके लिए अच्छी पॉलिसी हम लाएंगे जिससे हमारी उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा हो सके। साल पहले मैं हिंदुस्तान का सबसे मशहूर सीरियल था कसौटी जिंदगी की डायरेक्ट करता था मुंबई में। वहाँ से छोड़ कर आया था कि मुझे गढ़वाली में कुछ करना है और मैंने 1300 नाम की फिल्म बनाई थी। उसके बाद हंतिया, याद आली टिहरी, कमली बहुत मशहूर है, इस तरह की कई फिल्में मैंने बनाई। लेकिन यहाँ फिल्म इंडस्ट्री घाटे में रहती थी क्योंकि सिनेमा हमारा माध्यम था नहीं। हॉल तक एक तो पहाड़ में थे भी नहीं, तो फिजिबल नहीं था। सीडी में भी पायरेसी से लेके कई ऐसी दिक्कतें थी, लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। यूट्यूब फिल्म के लिए बहुत फ्री का माध्यम था, तो उससे रिटर्न नहीं होता था। तो कई साल से ये जब से ओटीटी शुरू हुआ था, मैं सोच रहा था कि क्या रास्ता बने कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री प्रॉफिट में आए, कोई रिटर्न का रास्ता बने। ये पहला ओटीटी है बिल्कुल लाइक नेटफ्लिक्स, लाइक जी5, और उस कंपनी से हमने मैन्युफैक्चर कराया है जो जिसने जी